E was born in even number year, but not the eldest among all. More than two persons born between E and D. H was born just after D. There are as many persons born before H as same as born after B. G was born before F and after A and they were, they all were born on the same day. Year 2020, RBPS clerk P. 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 P, how many persons were born before C? So, यहाँ पे देखो दिसंबर के दो डेट गिवन है एक है फोर्टीन एंड एक है आपके पास ट्वेंटी थर्ड एंड यहाँ पे जो ईयर्स गिवन है तो ईयर्स आपके चार ईयर्स गिवन है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन फिफ्टी एट एंड नाइनटीन फिफ्टी नाइन तो यहाँ पे चार आपके पास गिवन है ईयर्स अब देखिये कंडीशन क्रिएट होंगी तो हम दो कंडीशन लेके चलते हैं नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सेवन 1958 एंड 1959 सो so, दो कंडीशन क्रिएट होंगी एंड लेकर चल रहे हैं हम 1959 14th एंड 23 अपने आप आपकी एक कंडीशन जो है एलिमिनेट हो जाएगी अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ही वाज बोर्न इन इवन नंबर ईयर बट नॉट द एल्डस्ट अमंग ऑल सो इवन नंबर वो होता है जो क्या हो आपके पास इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सो ही एल्डस्ट नहीं है दैट मींस ए यहां नहीं आएगा तो भी ई e के लिए चार पॉसिबल प्लेसेस है कहाँ कहाँ ई e आ सकता है ई e आपके पास यहाँ आ सकता है ई e आपके पास यहाँ आ सकता है एंड ई e आपके पास यहाँ आ सकता है जो सबसे पहले बॉन्ड होगा वो एल्डेस्ट होगा सो so ई e के लिए चार पॉसिबिलिटीज है सो so एक केस में ई e को यहाँ ले लेते हैं एंड बाकी दो पॉसिबिलिटीज दूसरे डायग्राम में ले लेते हैं ई e आपके पास या तो यहाँ आएगा या फिर ई e यहाँ आएगा फिर गिवेन है कि मोर देन टू पर्सन वर बॉन्ड बिटवीन ई एंड डी सो so e और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग होंगे बस ये याद रखना है कि ई और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग होंगे फिर गिवन है एच वॉज जस्ट आफ्टर डी सो एच जो है वो जस्ट आफ्टर डी बॉन्ड होगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें गिवन है कि मोर देन टू परसेंट बिटवीन ई एंड डी तो ये रहा ई एक दो तीन एटलीस्ट यहाँ पर होगा तो डी को यहाँ रखे तो एच यहाँ आएगा या फिर डी को यहाँ रखे तो एच यहाँ आएगा दो पॉसिबिलिटीज है इस केस में अगर एरा ई तो एक दो तीन तीन यहाँ पर हम रखे डी को तो यहाँ पर एच आ जाएगा इस केस में भी दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही है सो तो अभी नहीं रखेंगे हम अभी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है फिर गिवेन है यहाँ पर there आर एज many persons born बिफोर H as सेम एज born आफ्टर बी यानी कि एच से पहले अगर एक्स लोग बॉन्ड है तो बी के बाद भी एक्स लोग बॉन्ड होंगे नाव जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ एन आफ्टर ए जी जो है वो एफ से पहले बॉर्न होगा लेकिन ए के बाद डेट तो पे बॉर्न है ए जी एफ तीनों जो है सेम डेट पर बॉर्न है तो यहाँ देखिये पॉसिबिलिटी क्या होगी इस केस में ई e तो यहाँ फिक्स हो चुका है ई e फिक्स हो गया है सो तो गिवेन था की ईर डी के बीच में कितने लोग होने चाहिए दो से ज्यादा एक दो तीन अगर मैं डी को यहाँ रखू अगर मैं डी को रखू तो एच यहाँ आ जाएगा so, H से पहले चाहिए दैट मीन्स बी तो यहां आना चाहिए तभी देखिये एक दो तीन चार पांच छह लोग बॉन्ड होंगे यहाँ तो ऑलरेडी ई e है सो इससे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आपके पास एच नहीं आ सकता यहाँ एच नहीं आएगा सो so, यहाँ पर आपके पास डी नहीं आ सकता सो so, अगर मैंने डी को यहाँ रख दिया अगर हमने डी को यहां रखा तो डी के जस्ट बाद एच बॉन्ड होगा डी एच वॉज बॉन्ड जस्ट आफ्टर डी तो यहाँ एच हो गया फिर एच यहाँ पर है दैट मीन बी यहाँ आएगा बिकॉज एच से पहले देखो एक दो तीन चार पांच छह सात लोग हैं सो so, बी के बाद भी सात लोग हो गए तो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है अब देखो ए जी और एफ तीन लोग जो हैं एक पर्टिकुलर डेट पे बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर तो फोर्टीन में दो ही जगह खाली है ट्वेंटी थ्री में भी दो ही जगह खाली है दैट ये नहीं आ सकता सो ये हो गया आपके पास रॉन्ग ये रॉन्ग हो गया अब इस केस में देखते हैं इस केस में अगेन देखो इसमें दो ई की कंडीशन पॉसिबल है सो ई की दोनों कंडीशन ले लेते हैं हम ई की दोनों ही कंडीशन लेके चलते हैं यहां पर आ गया आपके पास एक केस में हमने ई को यहाँ ले लिया एक केस में हम ई को यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ से ई को रब कर लेते हैं अब गिवेन है हमें कि ई e और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग तो एक, एक दो तीन यहाँ पर आपके पास डी आ गया डी के जस्ट बाद एच है तो यहां पर एच आ गया इस केस में ये रहा आपके पास ई e, तो यहाँ पर अगर हम डी को रख दे तो डी के बाद एच यहाँ आ जाएगा सो तो यहाँ पर जितने लोग एच से पहले एच से पहले एक पर्सन है तो बी के बाद भी एक पर्सन आएगा यहाँ कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर एच से पहले एक दो पर्सन है स बी के बाद भी दो पर्सन होना चाहिए दैट मीन्स बी यहाँ आना चाहिए बट यहाँ तो ऑलरेडी ई e है यहाँ ऑलरेडी ई है दैट मीन्स यहाँ बी नहीं आएगा तो यहाँ डी नहीं आएगा सो so डी को फिक्स करते हैं अगर डी यहाँ होता है तो यहाँ पर एच चला जाएगा सो so एच से पहले एक पर्सन है दैट मीन्स बी के बाद भी एक पर्सन होगा यहाँ तक आ गया अब देखिए ए जी और एफ जो है तीनों जो है एक ही सीरीज में चाहिए तो यहाँ भी देखो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर भी दो ही जगह खाली है यहाँ भी दो ही जगह खाली है दैट ये रॉन्ग हो गया so, यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास ए जी जी और एफ जो है वो ए के बाद एंड एफ से पहले बॉर्न होना चाहिए गिवेन जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ एफ से पहले लेकिन ए के बाद इन दे ऑल वर बॉर्न ऑन सेम डेट तीनों जो है सेम डेट पे बॉर्न होंगे सो so, यहाँ पर ये आ गया एक पर्सन रह गया आपके पास दैट इज सी तो यहाँ पर सी आ गया ये हो गया फाइनल अरेंजमेंट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर सी सी से पहले कितने लोग बॉर्न है तो ये रहा आपके पास सी सी से पहले दो लोग बॉर्न है एक डी है so है पर आएगा आपके पास टू जो कि आपका ऑप्शन नंबर थ्री है सो ऑप्शन नंबर थ्री टू इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर